तभी में आपके दैत्यों को बड़ा हंसियों को होती हुई देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा और उसके सुम्ब निशुम्ब आदि वीर को भी क्रोध से अपने ओठों को कटकटाते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़ पड़े और इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण चारों को काट करके और अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। बोलिए श्री शंकर भगवान खड़गोरमा नामक दैत्य को आपने फरसे से मार डाला और बलाहम का भी सिर काट दिया और धस्मर भी मारा गया और सुगण शिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला और किसी को सीधे के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख करके जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिकारने लगा और भयभीत वो धैर्य देने लगा पर किसी प्रकार का भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुआ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। दैत्य सेना ने पलायन किया तब महाक्रुद्ध जलंधर जी को अपनी ओर ललकारने लगा और साथ ही उसने सत्तर बाण मार करके और शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा छत्र और धनुष आदि भी सब काट दिया और फिर सात बाण मार करके उनके शरीर में आघात पहुंचाया और धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मार करके और उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि राम उससे अधिक बलवान है। एक उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि वाद्यों के साथ नृत्य और गान होने लगा और इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। तो फिर काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके और वृषभ पर बैठ करके पार्वती जी के पास जा पहुंचा। बोलिए श्री शंकर भगवान की। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आके देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई और पार्वती को देख करके कामातुर जलंधर का वीर पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया और गौरी ने उसे दानों समझा और वह अंतर ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर चली गई और तब वहां पार्वती को ना देख करके जलंधर फिर सीधी की ओर लौटा और उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके और सिर नवा करके उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता जो आज्ञा हो मैं पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जा करके उसकी स्त्री का पतिव्रत भस्म करो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण पढ़ देते हैं।
नहीं दो हो गए। राम 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 पांच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम ग्यारह राम राम बारह राम राम तेरह राम राम चौदह राम राम पंद्रह राम राम सोलह राम राम सत्रह राम राम अठारह राम राम उन्नीस राम राम बीस राम राम इक्कीस राम राम बाईस राम राम तेईस राम राम चौबीस राम राम पच्चीस राम राम छब्बीस राम राम सत्ताईस राम राम अट्ठाईस राम राम उनतीस राम राम तीस राम राम इकतीस राम राम बत्तीस राम राम तैंतीस राम राम चौंतीस राम राम पैंतीस राम राम छत्तीस राम राम सैंतीस राम राम अड़तीस राम राम उनतालीस राम राम चालीस राम राम इकतालीस राम राम बयालीस राम राम तैंतालीस राम राम चौवालीस राम राम पैंतालीस राम राम छियालीस राम राम सैंतालीस राम राम अड़तालीस राम राम पचास राम राम पचास राम राम इक्यावन राम राम बावन राम राम तिरपन राम राम चौवन राम राम पचपन राम राम छप्पन राम राम सतावन राम राम अठावन राम राम उनसठ राम राम साठ राम राम इकसठ राम राम बासठ राम राम तिरसठ राम चौसठ राम राम पैंसठ राम राम छियासठ राम राम सड़सठ राम राम अड़सठ राम राम उनहत्तर राम राम सत्तर राम राम इकहत्तर राम राम बहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम चौहत्तर राम राम पचहत्तर राम राम छिहत्तर राम राम सतहत्तर राम राम अठहत्तर राम राम उनासी राम राम अस्सी राम राम बयासी राम राम तिरासी राम राम चौरासी राम राम पचासी राम राम छियासी राम राम सतासी राम राम अठासी राम राम नवासी राम राम नब्बे राम राम इक्यानवे राम राम बानवे राम राम तिरानवे राम राम चौरानवे राम राम पचानवे राम राम छियानवे राम राम सतानवे राम राम अठानवे राम राम निन्यानवे राम राम सौ राम राम विश्व एक राम राम विश्व दो राम राम विश्व तीन राम राम विश्व चार राम राम विश्व पाँच राम राम विश्व छः राम राम विश्व सात राम राम विश्व आठ बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय।